आज हम बनाएंगे पालक की बहुत ही टेस्टी और यूनिक सी सब्जी, जिसे खाने के बाद आप बहुत ही खुश हो जाएंगे। आज मेरे पास बिल्कुल फ्रेश पालक है, वो जो छोटे छोटे पत्तों वाली पालक आती है ना वो, और इसके डंठल भी बहुत सॉफ्ट हैं। आज बहुत अच्छी पालक आई है, तो इससे हम बनाते हैं यूनिक सी रेसिपी। पालक को अच्छे से खुले पानी में धो लेंगे ताकि पत्तों पर से मिट्टी पूरी तरह से निकल जाए। साथ ही मैंने इसको छलनी में रख दिया था ताकि पूरा पानी भी निकल जाए। पालक को बिल्कुल बारीक बारीक कट करना है ताकि सब्जी बन जाने के बाद खाते समय इसमें से धागे ना निकलें। मेरे पास है 2 स्मॉल साइज के प्याज और 3 स्मॉल साइज के टमाटर मैंने लिए हैं, 2-3 हरी मिर्ची, थोड़ा सा अदरक, इसके अलावा बहुत सारा लहसुन, क्योंकि हम लहसुनी पालक बना रहे हैं ना। मेरे घर में सबको बहुत है ये सब्जी। मेरा बेटा जो डाइट कॉन्शियस है ना, वो भी इस सब्जी के साथ 2 की जगह 4 रोटी खा जाता है। तो एक बार ये रेसिपी आप जरूर ट्राई कीजिएगा। मैं प्याज और टमाटर को बारीक बारीक कट कर रही हूँ, क्योंकि इस सब्जी में इस बारीक कटिंग का बहुत ही अच्छा स्वाद आता है। आप अगर चाहें तो चॉपर में भी चला सकते हैं। मैंने ली है 3 हरी मिर्ची, जिसको मैं मिक्सर ग्राइंडर में डाल रही हूँ। इसके अलावा मैं लूंगी बहुत सारी लहसुन। हमेशा की तरह मैं फ्रिज में छील कर रख लेती हूँ कांच की डिब्बी में। ऐसा करने से हमारी सब्जी जल्दी बन जाती है। बहुत सारा लहसुन जाएगा इसमें। एक छोटा टुकड़ा मैंने अदरक का लिया है और अच्छे से मैं इसको ग्राइंड कर लूंगी। सारी तैयारी हो चुकी है, अब हम सब्जी बना लेते हैं। मैंने ली है 1 कढ़ाई, जिसमें 1 टेबलस्पून ऑयल जैसे ही गरम होता है मैंने डाला आधा चम्मच जीरा और 1 चम्मच पेस्ट डाला है अदरक लहसुन और हरी मिर्ची का। अच्छे से इसको सौते कर लेंगे और जो पालक हमने कट करके रखी थी वो डालेंगे। साथ ही मैंने आधा चम्मच नमक डाला है। अब हम इस पालक को फुल फ्लेम पर अच्छे से भूनेंगे। इस सब्जी के लिए पालक ज्यादा यूज कीजिएगा, क्योंकि पालक पकने के बाद बहुत कम हो जाता है और ये सब्जी जब अपन खाने पे आते हैं ना तो बहुत स्वाद आती है। सब लोग चटकारे ले लेके खाएंगे। ये देखिए, पालक अपने ही पानी में अच्छे से कुक हो गई है। वापस से मैंने कढ़ाई ली है, मैं डाल रही हूँ 2 टेबलस्पून घी। यहाँ पर आप चाहें तो ऑयल या बटर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। 1 चम्मच जीरा डाला है और अदरक लहसुन हरी मिर्ची का जो पेस्ट बनाया था ना, वो सारा बचा हुआ मैंने अब डाल दिया है। 2 सूखी लाल मिर्ची डाली है। इस लाल मिर्ची से इस पालक का स्वाद बहुत ही बढ़िया आता है। 2 स्मॉल साइज के जो मैंने प्याज बारीक कट करके रखे थे वो डाले हैं। अच्छे से इनको रोस्ट करना है, ट्रांसलूसेंट हो जाए, ज्यादा हमें इसको ब्राउन नहीं करना है। आप मेरी रेसिपी कौन सी सिटी से देख रहे हैं प्लीज कमेंट करके मुझे जरूर बताएं, ताकि मैं आपको थैंक यू कर सकूं। प्याज अच्छे से भुन चुका है, मैं डाल रही हूँ 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर और नमक स्वाद के अनुसार। नमक ध्यान से डालना है, क्योंकि हमने पालक में भी डाला था। अच्छे से मसाले भुन जाने के बाद मैंने इसमें ऐड किया है टमाटर। टमाटर को अच्छे से मैशी हो जाए तब तक भूनना है, चाहे तो आप लो फ्लेम पर भी रख सकते हैं। मैंने थोड़ी सी मूंगफली को गर्म पानी में भिगो दिया था ताकि आसानी से मैं इसका छिलका उतार सकूं। इस मूंगफली को हम ग्रेवी में ऐड करेंगे। इसके अलावा हमें चाहिए होंगे रोस्टेड चना। इन दोनों को मैं मिक्सी में डालकर थोड़ा सा पानी डालकर अच्छे से पेस्ट बना लूंगी। इस सब्जी में मैंने ना ही काजू यूज किया है, ना ही क्रीम का इस्तेमाल किया है, उसके बाद भी ये सब्जी बहुत ही स्वादिष्ट और क्रीमी बनेगी। अगर ये दोनों अच्छे से नहीं पिस रहे हो तो हम थोड़ा सा पानी और ऐड करेंगे, लेकिन बिल्कुल स्मूथ पेस्ट बनाकर तैयार करेंगे। टमाटर को बढ़िया से गलने तक पका लेना है, पूरी तरह से सॉफ्ट हो जाना चाहिए। पालक की सब्जी के साथ टमाटर का खट्टापन काफी अच्छा लगता है। ये देखिए, अच्छा सा मसाला बनकर तैयार हुआ है। अब
हम इसमें मूंगफली और भुने हुए चने का पेस्ट डाल देंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। अगर आपको कम समय में टेस्टी खाना पसंद है तो ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। कुछ ही सामानों से अच्छी सी सब्जी बनकर तैयार हो जाएगी। मिक्सी के जार में मैंने 1 कप पानी घुमाकर इस सब्जी में ऐड किया है। अच्छे से घुमाते रहेंगे, जब इसका अच्छा सा बड़ा सा उबाला आ जाएगा तब हम इसमें डालेंगे पालक जो हमने रोस्ट करके रखी थी। पालक को डालने के बाद भी कंटिन्यूसली इसे हमें चलाते रहना है। उसके बाद जब अच्छे से मिक्स हो जाए तो 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पर हम इसको ढक कर पकाएंगे और 5 मिनट के बाद ये देखिए कितनी बढ़िया दिख रही है, मुंह में ही पानी आ रहा है। आप भी अगर पालक पनीर दाल पालक खा के बोर हो गए हैं तो इस तरह से पालक बनाइए, सबको बहुत पसंद आएगी। और जिसे पालक नहीं पसंद है उसे भी ये सब्जी बहुत पसंद आएगी। वैसे तो ये सब्जी रोटी परांठा तंदूरी रोटी नान के साथ अच्छी लगती ही है, लेकिन एक बार आप चावल के साथ भी ट्राई करिएगा, ये तो चावल के साथ भी बहुत ही जबरदस्त लगती है। कैसी लगी आज की रेसिपी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे मोटिवेशन के लिए इस वीडियो को एक लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मैं बहुत मेहनत और प्यार से वीडियो बनाती हूँ तो प्लीज एक लाइक जरूर कीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। अरे वाह यम्मी।